बेंगोली अंडा करी बनाने के लिए छोटे से बाउल में हम 3 से 4 तेज पत्ते छोटे वाले डालेंगे, 6-7 काली मिर्च, 6-7 लौंग हमने ले लिया, सिनेमन स्टिक 1 इंच के आसपास, थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा और 10 से 15 मिनट इसको हम भीगने देंगे। आगे चलते हुए 3 से 4 सूखी लाल मिर्च हमने ले ली है, थोड़ा टेस्ट के लिए अदरक 1/2 इंच, 10 से 12 लहसुन, ये हमारा भिगा हुआ गरम मसाला, 2 मीडियम साइज का प्याज ले लिया है हमने, आप प्याज कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 हरी मिर्च, 1 बड़ा टमाटर, और 3-4 चम्मच लेंगे हम पानी, और इसकी एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हमारी बनके तैयार है। बेंगोली अंडा करी बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 अंडे बॉईल कर लिए हैं, और अंडे में इस तरह से हमें कट लगा लेना है, एक डीप कट लेंगे इसमें, मसाला अंदर अच्छे से बैठ सके। कट करने के बाद ऊपर से हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च चुटकी भर, मिक्स कर लेंगे और इस तरह से कोट करने के बाद अब अंडे को हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अंडे इसमें फ्राई कर लेंगे। और 6 से 7 मिनट में अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देखिए इसमें गोल्डन ब्राउन मार्क आ चुका है, तो यहाँ का गैस बंद करके अंडे हम निकाल लेंगे। इसी बचे हुए तेल में 1 टीस्पून डालेंगे जीरा, अब जीरा और तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं, जीरा अच्छे से हम फ्राई करेंगे, और जीरा हमारा अच्छा फ्राई हो चुका है, तो अब ये पेस्ट इसमें डाल देंगे। और अब हमारे ड्राई मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी और 1.5 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च आपको कितना तीखा खाना है उसी हिसाब से मैं 1 टीस्पून ले रहा हूँ, मिक्स कर लेंगे। तेल को ढक के हम 5 मिनट तक पकने देंगे, और ये 5-6 मिनट के बाद हम देख सकते हैं कि तेल जो है सरफेस पे आ चुका है, सेपरेट हो चुका है, तो अब अंडे हमारे डाल देंगे। अंडे मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकने देंगे, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे। 3 मिनट के बाद ये 1/2 ग्लास पानी हम ले लेंगे जिसमें हमने मसाला पीसा था, अब यहाँ 1 ग्लास तक पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स कर लेंगे। और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, फ्लेम को मीडियम टू स्लो करके 5 मिनट हम पकने देंगे। 5-6 मिनट के बाद काफी सारा हरा धनिया, यहाँ का गैस बंद कर देंगे। ये गर्मा गर्म बेंगोली अंडा करी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें।